सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। और हम वापस आ गए हैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज डेट है 6 नवंबर 2017 और देखते हैं पीआईबी आज हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाया है। तो प्रेसिडेंट थे ऑन अ विजिट टू छत्तीसगढ़ और वहां पे उन्होंने विजिट किया गुरु घासीदास जैत खाम में। देखो, गुरु घासीदास के जो मॉन्यूमेंट हुए उसे हम गुरु घासीदास जैत खाम के नाम से जानते हैं। गुरु घासीदास के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर। अगर हम छत्तीसगढ़ के ही मेन लोकेशन की बात करें तो गुरु घासीदास 1756 से 1836 CE तक थे। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द सतनामी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी। साथ ही गुरु घासीदास ने फाउंड करी थी सतनामी कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इन्होंने स्ट्रगल किया अगेंस्ट द सोशल एबल्स एंड इनजस्टिस, और जो पुअर और डाउनट्रोडन लोग थे उनके लिए बहुत सारा काम किया। उनके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी ली। उनका एक बहुत ही सिंपल मैसेज था दैट ट्रूथ एंड नोबल कंडक्ट आर सिनोनिमस फॉर गॉड। उन्होंने अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट लगाए, साथ ही फ्रेटर्निटी, सोशल हार्मनी बरकरार रहे कम्युनिटी में, और जो विमेंस राइट हैं, साथ ही विडो मैरिज को भी सपोर्ट करते थे गुरु घासीदास। बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन निकाल के अबाउट दी पैराडाइज पेपर हंगामा मचा दिया है, तो गवर्नमेंट ने भी अपने आईटी डिपार्टमेंट को नोटिस दे दिया है कि जो भी लोगों के नाम यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए और अपनी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी तेज कर दें। तो यहाँ पर जो रिविलेशन था पैराडाइज पेपर्स का, वो सेम था जैसे कि पिछले साल हमने पनामा पेपर के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली जो पैराडाइज पेपर्स हैं वो एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन लोगों ने मिलकर, साथ ही बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज और जो न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं जैसे हमारे इंडिया की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने मिलकर ये सब कुछ रिलीज़ किया है। इसके अंदर 180 कंट्रीज़ का डाटा रिलीज़ हुआ है, 180 कंट्रीज़ के लोग इन्वॉल्व हैं और इंडिया की रैंक है 19th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नेम्स। साथ ही ये लोग कह रहे हैं कि 714 इंडियंस के नाम रिपोर्टेडली हो सकते हैं और पैराडाइज पेपर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन लोन एग्रीमेंट हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ईमेल हैं, ट्रस्ट डीड है ऑफ लास्ट 50 इयर्स। और बेसिकली ये सब लिंक करती हैं एक प्रेस्टीजियस ऑफशोर लॉ फर्म है जिसका नाम है एप्पल बाय, जो कि बरमूडा और उसके आगे कहीं लोकेट होती है। तो यहीं पे देखेंगे आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी क्या लाता है, और बाकी तो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस जब एक्सप्लेन डिस्कस करते हैं उसमें कर ही लेंगे। तो रिसेंटली प्लान इंटरनेशनल नाम की एक वेलफेयर चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान फॉर एवरी चाइल्ड लीव नो गर्ल बिहाइंड नाम की एक कैंपेन स्टार्ट करी थी जो नवंबर 1 से नवंबर 3 तक चली। इसका जो सपोर्ट था वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी किया था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लास्ट डे इन्होंने रिलीज करी एक जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। याद रखना कि जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इंडिया में पैन इंटरनेशनल ने लॉन्च करी थी। इस इंडेक्स स्कोर को मेजर किया गया है फ्रॉम 0 to 1 और क्लोजर द स्कोर इज टू 1 बेटर इज द परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर चार चीज़ें नोटिस की गई, पॉवर्टी, प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो टॉप 5 स्टेट्स में जो कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हैं फॉर विमेन वो आती हैं गोवा, केरला, मिजोरम, सिक्किम एंड मणिपुर, और बॉटम 5 में हैं अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। साथ ही एजुकेशन, हेल्थ और पॉवर्टी में भी इन्होंने अलग अलग लिस्ट निकाली है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे पीआईबी की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।